दरोगा अंकल आए तो वो कहते घर में हमारे वर्दी पहनकर घुस गया, बुरी नीयत से हमारा हाथ पकड़ा और हमारे कपड़े ही फाड़े। मुख्यमंत्री जी से और कमिश्नर सर से यही मेरी प्रार्थना है कि हमें न्याय दिलाए वरना हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दे। सर हमारे घर पर समर लगी जिसका पानी निकालने के लिए हम पीछे पार्क में ले गए ताकि पेड़ों को भी पानी मिल जाएगा, मेरा पानी साफ हो जाएगा, लेकिन बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं वो आंटी निकल करके आई, बोलती कि तुम्हारा पाइप यहाँ से नहीं जाने देंगे, हम नहीं निकलने देंगे तुम्हारा पाइप, वो पाइप खींच खींच फेंकने। हमने कहा आंटी एक दो घंटे का मामला चल जाने दीजिए, लेकिन वो नहीं मानी, पाइप खींच खींच फेंकने लगी और हम लोग से गाली गलौज करने लगी, तो हम लोग चुप हो गए ठीक है। और सब शाम को लगभग सात बजे जब वो दरोगा अंकल आए तो वो कहते घर में हमारे वर्दी पहनकर घुस गया, बुरी नीयत से हमारा हाथ पकड़ा और हमारे कपड़े ही फाड़े। जब हम चिल्ला मेरी मम्मी घर के अंदर से घर के बाहर आई तो मम्मी को ही मारा और हमें ही मारा। जब हमने 112 नंबर डायल किया उस पर कुछ हुआ ही नहीं, फिर हमने 1076 पे फोन किया उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जब हम पनकी थाने में आए तो पनकी के एसओ सर और एक डबल स्टार वाले एक दरोगा अंकल थे जिनके नेम प्लेट पर लिखा था राहुल सर राहुल की, तो वो तो बोलते हैं कि तुम्हारी पुलिस वालों के ऊपर रिपोर्ट लिखाने आई हो, वो पुलिस विभाग में है, हम उनको कुछ नहीं होने देंगे, कहते पुलिस विभाग का मामला है वो। फिर हम ही लोग को धमकी देने बोले SC ST एक्ट लगा देंगे, तुम्हारे बाप को और भाई को फंसा देंगे SC ST केस में, और तुम लोग परिवार तुम लोग का सर पूरा करियर बेकार हो जाएगा। सर हम बड़े बड़े अधिकारियों के पास में भी गए, वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर हम क्या करें बताइए, हमें न्याय चाहिए। 13 तारीख की बात है और आज 31 तारीख हो गई, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें कहते मुख्यमंत्री जी से और कमिश्नर सर से यही मेरी प्रार्थना है कि हमें न्याय दिलाए वरना हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दे। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।